HCF एंड LCM ऑफ 90 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइज मेथड अभी हम फाइंड करना सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, यानी वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें। बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे दोस्तों, एक वीडियो देखना पड़ेगा, यह दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लो। देखो हम यहाँ पर इनके फैक्टर करने वाले हैं। फैक्टर करने के लिए हम अपना क्या करते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके कुछ प्राइम नंबर लिख रहा हूँ, देखो 2, 3, 5, 7 इत्यादि आपके 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर है। देखो अब मैं आपको कुछ ऐसे नियम बता देता हूँ डिवाइड करने के, उन नियम को याद करके आप अपना कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट आपका 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वे नंबर आपके 2 से डिविजिबल रहते हैं। तो देखो ये आपका 2 से डिविजिबल है, इसमें मैंने 2 का डिवाइड किया। दोस्तों जितने टाइम डिवाइड होगा इसको यहाँ लिखना है, कितना टाइम डिवाइड हो गया, 4, 5 टाइम हो गया। अब इसमें देखो 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन 3 का डिवाइड हो रहा है, कितना, 1, 5 टाइम। अगेन इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है, कितना, 5 टाइम। 5 में 5 का डिवाइड दोस्तों आपका कितना, 1 टाइम। इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, कितना, 7, 2 टाइम। अगेन इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, 3, 6 टाइम। इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, कितना, 1, 8 टाइम। इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, कितना, 9 टाइम। 9 में आपका 3 का डिवाइड होगा, कितना दोस्तों, 3 टाइम। 3 में 3 का डिवाइड, 1 टाइम। तो यहाँ पे 90 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गया, देखो ध्यान से, 2 और 3 आपका 2 टाइम, 5, 1 टाइम। 144 के फैक्टर आ गए हमारे पास, ये आपके 144 के फैक्टर है, 1, 2, 3, 4 4 टाइम और आपका 3, 2 टाइम। ओके हमें यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों, अपना HCF एंड LCM चाहिए। करना क्या है, एक सिंपल सा प्रोसेस करना है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। देखिए इसका फुल फॉर्म याद करो, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इसमें आपको करना क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर लेना, ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, कौन मिल गया, 2। उसके बाद देखो 3, 3 अगेन देखो इतना ही है। उसके बाद देखो 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं। इनका करना है मल्टीप्लाई, कितना आ गया दोस्तों आपका, 1, 8 आ गया। यहाँ पे LCM में ध्यान से सुनना दोस्तों, अभी जो मैं बात बोलने वाला हूँ, जो दोनों के कॉमन फैक्टर है उसको तो लेना ही है, उसके बाद करना क्या है, जो पीछे बचे हुए फैक्टर, यहाँ पे कौन बचा हुआ है, 2 आपका 3 टाइम बचा हुआ है, यहाँ पे कौन बचा हुआ है आपका, 5 बचा हुआ है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का मैं आपको थोड़ा सा अंदाज़ा दे देता हूँ, उससे द्वारा आप अपना मल्टीप्लाई को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। देखो इन फैक्टर का मल्टीप्लाई हमारे पास कितना आता है, 144, तो ये रहे फैक्टर, 2 कितना, 4 टाइम, 3, 2 टाइम, कितना आएगा, 144 मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा क्या है, 5, यानी 5 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 4 और 5 20 2 22 और ये आ गया दोस्तों 720। तो इस तरह से यहाँ पे LCM कितना बन गया आपका, 720। ओके आसान है। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट कर बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें, सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें।